let's talk about biomedical treatment. So, biomedical treatment क्या होता है exactly? ये समझने के लिए हमें थोड़ा autism के history में जाना होगा. शुरुआत में जब 1943 में इसका description हुआ था, तब इसे एक psychiatric disorder माना जाता था. और parents को कहा जाता था कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता. और ultimately हमें child को institutionalize करना पड़ेगा. Okay. लेकिन उसके बाद 1960s में ऑटिज़म रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई. और इसकी स्थापना मिस्टर बर्नर्ड रिमलैंड ने की. ये एक रिसर्चर थे जिनके खुद के बेटे को ऑटिज़म हुआ था. Okay. वो ये नहीं मानते थे कि ये एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, बल्कि उनसे कहा गया कि ये बैड पेरेंटिंग की वजह से हुआ है. और इसको एक ख़ास टर्म बोला जाता था, रेफ्रिजरेटर मदर्स. ओके. तो वो इस आइडिया को झुठलाना चाहते थे. और उनको ये प्रूव करना था कि ये एक बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं, बल्कि ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है. तो इस उद्देश्य से उन्होंने ये ऑटिज़म रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की. और उन्होंने कांटेक्ट किया और पेरेंट्स को और रिसर्चर्स को, पीडियाट्रिशंस को, जो उनकी मदद करे इसके बारे में खुलासा करने के लिए. तो इससे पैदा हुआ द फर्स्ट डैन मूवमेंट. डैन स्टैंड्स फॉर डिफीट ऑटिज़म नाउ. तो इसके जो को फाउंडर थे डॉक्टर सिडनी बेकर, ये येल के बहुत मशहूर पीडियाट्रिशियन रह चुके हैं. Okay. तो इन्होंने मिलके ये संगठना बनाई जिसको हम डैन बोलते थे. और ये संगठना साल में दो बार कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती थी. और इन कॉन्फ्रेंसेस में सारे फील्ड्स के जो स्पेशलिस्ट होते थे, जैसे इम्यूनोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और ये कॉन्फ्रेंसेस पेरेंट्स के लिए भी ओपन थे. ओके. तो पेरेंट्स, डॉक्टर्स, जो भी ऑटिज़म के बारे में जानकारी लेना चाहते थे. वो वहाँ अटेंड कर सकते थे और इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे. तो दिस वॉज इन द 90s. ओके. फिर अमेरिका में, यूएसए में ऑटिज़म का प्रमाण इतना ज़्यादा होने लगा कि इट वाज अ बिग बर्डन ऑन देयर हेल्थ केयर सिस्टम. सो उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा होने लगा कि क्यों हो रहा है ऑटिज़म इतने ज़्यादा मात्रा में. तो उस रिसर्च के परिणाम स्वरूप आज ये अंडरस्टैंडिंग है कि ऑटिज़म इज़ नॉट अ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, इट्स अ मेडिकल डिसऑर्डर. And it's not just limited to the brain, but it's also limited to the rest of the organ systems, like the immune system, the gastrointestinal system, etc. So when you talk about biomedical treatment, we try to find out what are the causative factors in a particular child which has led to the development of autism. And we try and explore these multiple contributive factors, and we come to a conclusion as to which are the things that have led to this particular child's issues. Yeah. Okay. And what we know now is autism is a spectrum disorder and each child is different. Yes. So we try to individualize each child's issues and come with a treatment plan for each and every child. So this is what is the gist of बायोमेडिकल इंटरवेंशन. सो व्हेन यू सेड उनको डैन डॉक्टर बोलते थे, तो अभी डैन नहीं बोलते हैं? नो, अभी नहीं बोलते. ओके. अभी द थिंग इज, ये 90s में हुआ. फिर क्या हुआ कि अमेरिका में कई डॉक्टर्स अपने तरीके से ट्रीट करने लगे और अलग अलग प्रोटोकॉल्स करने लगे. तो अभी क्या हुआ है कि वी आर ट्राइंग टू हैव अ standard of care for any child who comes to you with autism. For that reason, the MAPS was devised. Like, okay. There were a few doctors who got together and they have devised a standard of care for each and every child who presents with autism or any other related developmental disability. So they have these conferences which train doctors as to what are the tests to be done, how to take a detailed history, what are the things you need to look for when you examine the child,
what are the different approaches to address various problems? So like, it's like training the doctors again. Yes. Okay. And when you say biomedical, so what I've understood is that it is not a psychiatric, but it is taking care of many other causative factors. So it is, that's what it means. See, Western medicine or allopathic medicine has got a, you know, way of working. Like they first look at a disease and they name the disease, okay? Then they blame the disease for all that goes on, and then they try to tame it with a drug or a medication. But in autism, it doesn't work because, you know, each child is different with different symptoms. So you can't just put everything under the umbrella of autism, okay? Yeah. So you need to figure out why one child with autism is hyperactive and can't sit still, while there is another child who just doesn't have the energy to get up and play like other normal kids. Then you have a child who has such severe constipation that it causes them severe gut pain and self-injurious behaviors, while another child is having diarrhea and is not able to be toilet trained. So each child is different and their issues are different. So in what we try to do is to tease out which child has what kind of issues and tailor make a program for that particular child to address his specific issues. So what I understood about biomedical before was that it is about giving medicines. It's not just medicines. No, not at all about medicines. Oh. In fact, we don't use any pharmaceuticals as far as possible. We use only supplements, herbs and vitamins and, you know, minerals and all those things. We have Dr. Shanta Venkat with us. She is MAPS certified doctor. MAPS stands for Medical Academy of Pediatric Special Needs, and she works with kids with autism and other kids who have developmental disabilities. We have a lot of questions that we've asked her. Stay tuned to this channel to learn more from her, and let's grow together. Thank you.